ओके सो द ट्रांसफार्मर विच वी यूज इट इज यूज टू मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ये कर सकता है मेन यूज इसके लिए इसका नाम ही है ट्रांसफार्मर विच कैन ट्रांसफॉर्म लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टू ट्रांसफॉर्म लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या फिर वाइस वर्सा मतलब दोनों ही कर सकता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज टू लो एंड करंट का भी वही है टू ट्रांसफॉर्म हाई करंट टू लो करंट इट कैन कन्वर्ट हाई करंट टू लो करंट या लो करंट टू हाई दोनों काम करता है सो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो मतलब वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए या करंट को बढ़ाने घटाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ये ट्रांसफॉर्म करेगा चेंज करेगा वैल्यू को क्लियर जैसे ट्रांसफॉर्मर मूवी देखा है ना ट्रांसफॉर्मर मूवी में क्या होता है उसमें वो गाड़ी उड़ी देखता है ना रोबोट बन जाता है देखा है नहीं देखा है मूवी तो उसका नाम ट्रांसफॉर्मर क्यों रखा गया बिकॉज वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गाड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाती है रोबोट में रोबोट फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार रोड में कैसा रहता है तो बाहर की फिल्मों में तो कुछ भी होता है सो वैसे यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये वैसा नहीं है ये हमारा वोल्टेज को वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज ऐसा नहीं कि वोल्टेज को रेजिस्टेंस बना देगा वोल्टेज से कुछ अलग चीज बना देगा वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है लो टू हाई हाई टू लो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज अब ये वर्क कैसे करता है इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस तो वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था कि हम दो कॉइल्स लेते थे प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल में इफ यू आर चेंजिंग द करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल सो प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज होता है तो प्राइमरी के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा एंड दैट Change in flux. Due to change in flux across primary coil, there is an EMF induced across secondary coil. So secondary coil में भी EMF induced हो रहा है। Primary में हम current change कर रहे हैं। We are changing the current across primary coil. उस current से दोनों के cross flux change होने लगता है primary और secondary में। So that is what the concept of mutual induction. यहाँ पे भी हमारा क्या होता है? एक core रहता है। हम एक soft iron core लेते हैं। इस type से। जिसमें ये कॉपर वायर की बाइंडिंग रहती है यहाँ पे कॉयल्स प्राइमरी कॉयल एंड यहाँ पे भी रहेगा सेकेंडरी कॉयल ठीक है इधर हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिधर हम आउटपुट रिसीव करेंगे ठीक है और ये हमारा इनपुट तो इनपुट हम एसी कनेक्ट करते हैं ये याद रखना ट्रांसफार्मर एसी में वर्क करेगा बिकॉज एसी का जो वोल्टेज है वो वेरिएबल है तो अगर वोल्टेज वेरी करेगा करंट वेरी करेगा तो इसके क्रॉस जो फ्लक्स डेवलप होगा दैट फ्लक्स इज आल्सो वेरिएबल यहाँ पे देखो यहाँ जो मैग्नेटिक ये गेट्स मैग्नेटाइज्ड दिस प्राइमरी कॉइल गेट्स मैग्नेटाइज्ड मैंने बोला इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मतलब देयर आर टू कॉइल्स प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन चेंज तो जैसे इसमें आई हैव कनेक्टेड दैट प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद एसी So when it is connected with AC, it gets magnetized. Primary coil gets magnetized, उसकी magnetic lines निकलेंगी और वो magnetic lines के influence में secondary coil भी आ जाएगा this way. Clear? So that primary coil gets magnetized. अब सारा का सारा flux जिसका है वो पूरा उसमें नहीं जा पाता ठीक है तो इसीलिए एक loss भी आता है पूरा 100% output नहीं आता आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो 100% बिकॉज यहाँ से जो लाइंस निकल रहे हैं जो फ्लक्स है ना वो पूरा फ्लक्स उसमें नहीं आता फ्लक्स और लीक कर जाता है यहाँ से इधर ही रह जैसे ये फ्लक्स देखो इधर ही रह गया ठीक है तो सारा फ्लक्स उधर पास कर जाए जरूर नहीं जितना कम मतलब लीकेज जितना ज्यादा होता है दैट इज अ टाइप ऑफ लॉस तो वो इसीलिए ट्रांसफॉर्मर हमारा 100% इफिशियंटली वर्क नहीं करता सो दिस प्राइमरी कॉइल इज मैग्नेटाइज्ड बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद एसी तो एसी से कनेक्टेड है तो प्राइमरी कॉइल मैग्नेटाइज्ड हो गया अब प्राइमरी के बगल में सेकेंडरी कॉइल है ठीक है इतना दूर नहीं रहता पास में रहता पर डायग्राम में मैंने इतना दूर बनाया हुआ है ठीक है एकदम यहाँ चिपका दूंगा तो फिर समझिएगा तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर बनाया है इसकी मैक्सिमम लाइंस वहां पे जाती है तो जो प्राइमरी कॉइल इज मैग्नेटाइज्ड करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस प्राइमरी कॉइल नो करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल हमने कोई कनेक्शन नहीं दिया है
बट जो प्राइम व्हेन प्राइमरी गेट्स मैग्नेटाइज्ड तो प्राइमरी के क्रॉस फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी के क्रॉस भी फ्लक्स चेंज होगा। अब जो सेकेंडरी के क्रॉस फ्लक्स चेंज हो रहा है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, प्राइमरी के करंट पे, बिकॉज प्राइमरी में ही करंट फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। दिस इज प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, क्लियर? सो देयर इज अ चेंज इन करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल एंड ड्यू टू दैट चेंज इन करंट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। प्राइमरी मैग्नेटाइज्ड हो गया तो सेकेंडरी भी उसके इन्फ्लुएंस में है, तो सेकेंडरी के क्रॉस भी फ्लक्स आ रहा है, क्लियर? दैट इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कि एक ही कॉइल को हम मैग्नेटाइज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में अपने आप ईएमएफ आने लगता है, बिकॉज इसके फील्ड को सेकेंडरी कॉइल भी क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसका जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस भी तो फ्लक्स डेवलप कर रहा है, यहाँ पे भी तो एक फ्लक्स डेवलप हो गया, तो सेकेंडरी के क्रॉस करंट तो नहीं हमने दिया लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फ्लक्स आ रहा है, तो दैट फ्लक्स, यहाँ का जो फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, प्राइमरी के करंट पे, क्लियर? अब जैसे तुम्हारे डैडी जो पैसा अर्न कर रहे हैं तो बाद में तुम्हारा ही हो जाएगा ना, तुम उनके बेटे हो, तो ऐसा तो नहीं वो पैसा तुम अभी नहीं अर्न कर रहे, बट स्टिल जो भी उनका रहेगा वो प्रॉपर्टी सब तुम्हारा होगा ना, तो दैट इज व्हाट म्यूचुअल प्रॉपर्टी, वो तुमने अर्न नहीं किया, वो तुम्हारे पेरेंट्स ने अर्न किया लेकिन फिर भी वो तुम्हारा होगा ना, बिकॉज तुम उनके बच्चे हो, ठीक है? फिर जो तुम्हारे, जब तुम अर्न करोगे तो तुम्हारा जो बच्चा होगा उसका हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्लियर? सो यहाँ पे इसने, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है बट इसी का फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, दैट इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे मैंने जो नंबर ऑफ टर्न्स लिया है वो डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, इसके क्रॉस सपोज नंबर ऑफ टर्न्स एन1 है, इसके क्रॉस नंबर ऑफ टर्न्स एन2, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स एन1 एंड एन2, अगर सेम ले लोगे तो ट्रांसफार्मर का कोई मतलब नहीं निकला, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स हम लेंगे, ठीक है? यहाँ पे एन1 टर्न्स है, यहाँ पे एन2। तो जो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, हेलो, सो द ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो एक लूप, अगर एक सिंगल लूप में हम नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी सिंगल लूप में फ्लक्स देखते हैं, तो दैट इज डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी इज व्हाट द फ्लक्स चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन वन लूप, एंड देयर आर n1 नंबर ऑफ लूप इन द सिमिलर वे में, ये लूप का जो यहां पे भी एक लूप में कितना चेंज हो रहा है d5/dt, बट यहां पे n2 है, तो दोनों का ईएमएफ बिकॉज ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ टर्न्स ईएमएफ बदल जाता है। तो अगर मैं प्राइमरी में ईएमएफ देखता हूं सेकेंडरी में, तो देखो प्राइमरी में ईएमएफ देखो, ईएमएफ d5/dt, this is the rate of change of flux in one loop, एक single turn, rate of change of flux in one loop, एक loop में d5/dt change हो रहा है। so primary में कितने number of turns है total, there are n1 number of turns, तो एक अगर single turn में single loop में d5/dt is the rate of change of flux, मतलब एक single turn में इतना EMF induced होगा, so there are n1 number of turns, so total EMF induced in the primary coil is what, n1 d5/dt, because in single turn it is d5/dt, there are n1 number of turns, so total change in total EMF induced across primary coil is what, n1 d5/dt, in the similar way mein e2, the EMF induced across secondary coil total, so there are n2 number of turns, so ek round mein d5/dt and there are n2 turns, so it is what, n2 d5/dt, yes. So primary mein there are n1 number of turns, in a single loop, in a single turn the rate of change of flux is what, d5/dt, to ek single turn mein emf induced hoga d5/dt, but there are n1 number of turns, so emf induced, total emf across primary coil is what, n1 d5/dt, the emf induced, total emf induced across secondary coil in one round it is d5/dt, and there are n2 number of turns, so e2 is what, n2 d5/dt, yes. अब अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, डिवाइड करता हूं, तो e1 by e2 हमको क्या मिलेगा, n1 by n2, मतलब जो emf induced होगा it is directly proportional to number of turns, जो induced होगा primary और secondary में जो emf induced होता है वो depend करता है उसके number of turns पे, कितने ज्यादा, जिधर number of turns ज्यादा होते हैं उधर emf भी ज्यादा induce करेगा, so if we are dividing these two equations, so e1 by e2 what we are going to get, e1 by e2 is equal to n1 by
E1 by E2 is equal to N1 by N2. So EMF basically depend किस पे कर रहा है? Number of turns पे. EMF is directly proportional to number of turns. उस coil में कितने number of turns हैं? जिस coil में ज़्यादा turns होंगे उधर EMF ज़्यादा induce करेगा. तो ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे प्राइमरी का करंट है तो प्राइमरी में ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए. ईएमएफ सेकेंडरी में भी ज्यादा हो सकता है. तो ईएमएफ डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे. क्लियर? तो जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है बट इसका मतलब नहीं कि प्राइमरी की वजह से बिकॉज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो सेकेंडरी में कम ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं. सेकेंडरी का ईएमएफ डिपेंड प्राइमरी पे करता है बट उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स. क्लियर? तो सपोज इफ अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल मोर नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर तो उधर ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस करेगा. क्लियर? तो ईएमएफ इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. अब इफ इट इज इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, अब अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हम लॉस को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं तो वहां पे पावर कंजर्व रहता है, मतलब इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होता है फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर. लेकिन अगर नॉर्मल क्या होता है कि आइडियल होता नहीं, मतलब लॉस हो जाता है, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस होते हैं उस कोर में क्वाइल में जिसकी वजह से हमारा जो इनपुट पावर आउटपुट पावर मैच नहीं करता, आउटपुट पावर की वैल्यू इनपुट पावर से कम रहती है. तो अगर हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ही पावर कंजर्व रहता है. अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं है, रियल ट्रांसफॉर्मर है, तो वहां पर पावर कंजर्व नहीं रहता. तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर किसमें? आइडियल ट्रांसफॉर्मर में. सो इफ इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर देन ओनली इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट. रियल ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं होता, वो दोनों इक्वल नहीं होता, उसमें इनपुट ज्यादा रहता है. इनपुट पावर इज ग्रेटर देन आउटपुट पावर, दिस इज फॉर रियल. तो नॉर्मली आइडियल होता नहीं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता नहीं. क्वेश्चन में दिया रहेगा इफ इट इज मेंशन कि ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल देन ओनली यू कैन इक्वेट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, रियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि उसकी उसका जो इनपुट पावर होता है आउटपुट से ज्यादा रहता है. तो आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मानते हैं आइडियल. जैसे कोई आइडियल टीचर नहीं होता, कोई आइडियल स्टूडेंट नहीं होता. कोई आइडियल टीचर नहीं है कि तुमने उसको पैसा दे दिया, उसको टीचर को देख लिया, तुमको सब कॉन्सेप्ट आ गया, वैसा नहीं होगा. कोई आइडियल टीचर नहीं होता, कोई आइडियल स्टूडेंट भी नहीं होता, ठीक है? तो आइडियल कुछ भी नहीं होता. सो हम ऐसा मान लेते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें जो लॉस एकदम मिनिमाइज कर देते हैं तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर रहता है वो. ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है कि इफ इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर देन यू कैन इक्वेट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. अगर रियल ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें उसका जो इनपुट पावर होता है वो ज्यादा होता है आउटपुट पावर से. तो अगर हम इसकी इफिशियंसी चेक करते हैं, इफिशियंसी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी 1 होती है. इफिशियंसी होता क्या है? Efficiency N is equal to output power divided by input power. और अगर percentage में निकालना है तो you can multiply it by 100. That is what efficiency is. Efficiency is what? Output upon input. तो अगर हम efficiency लेते हैं output upon input, तो output power upon input power. That is what efficiency is. अब देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 1 होगी बिकॉज आइडियल के लिए केस में क्या है? आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल है तो ये कट के 1 हो जाएगा. तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर n की वैल्यू 1 होती है और अदरवाइज n इज लेस देन 1. रियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होगा? आउटपुट पावर इज लेस देन इनपुट पावर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम रहेगा. तो दिस इज फॉर आइडियल, मतलब आइडियल 100% एफिशिएंट होता है और ये रियल ट्रांसफॉर्मर. तो फॉर रियल ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज लेस देन 1, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज equal to 1. Clear? Yes. तुम इसका स्क्रीनशॉट लो तो मैं इसको रब करूं. हाँ क्लियर, रब करूं. हाँ, so even like that, EMF induced across a coil is directly proportional to its number of turns. अब अगर मैं ideal transformer लेता हूँ, input power is equal to output. तो ideal के लिए अगर हम देखते हैं,
हाँ इधर देख लो, हो गया। चलो अभी हम करंट का रिलेशन निकालेंगे। तो अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर के कहता हूं, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो जो हमारे पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, करंट इनटू वोल्टेज। यहां पे हमारा ईएमएफ ई वन आई वन इज इक्वल टू व्हाट, ई टू आई टू, दैट आई वन इज द करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल एंड आई टू इज द करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। सो ई वन आई वन इज इक्वल टू व्हाट, ई टू इंटू आई टू, या ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू व्हाट, आई टू बाई आई वन। सो ई वन बाई टू इज इक्वल टू व्हाट, आई टू बाई E1 by E2 is equal to I2 by I1। अब जरा EMF को करंट से रिलेट करो, जो EMF है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। EMF is what? Inversely proportional to current। मतलब जिस साइड में करंट ज्यादा होगा, जिस कॉइल में करंट ज्यादा होगा वहां पे EMF कम रहेगा। और EMF by EMF का रेशियो क्या होता है, इज इक्वल टू N1 by N2। E1 by E2 is equal to what? N1 by N2। तो अगर करंट के करंट को रिलेट कर सकते हो, एन करंट को एन से नंबर ऑफ टर्न्स से रिलेट करते हो, तुम्हारे करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू व्हाट, एन टू बाई एन वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने पे वहां पे वोल्टेज ज्यादा होता है, बट उस साइड में करंट, उस लूप में करंट कम रहता है उस क्वाइल में। तो आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू व्हाट, एन टू बाई एन वन। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो उस साइड में वोल्टेज ज्यादा होता है लेकिन करंट की वैल्यू कम रहती है, और जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उधर वोल्टेज कम होगा बट करंट ज्यादा होगा। तो वोल्टेज हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन करंट हमारा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1। तो EMF और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो उधर साइड में EMF ज्यादा होगा बट वहां पे करंट कम होगा। मतलब ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है कि अगर ये वोल्टेज को बढ़ा देता है तो करंट को कम कर देगा, बिकॉज ये दोनों नहीं बढ़ाने वाला है, ये या तो वोल्टेज बढ़ा लो इससे या तो करंट। अगर वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज को डबल कर रहा है तो करंट को हाफ कर देगा, बिकॉज वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं जनरेट कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पावर नहीं जनरेट कर रहा है, वो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने वाला डिवाइस नहीं है, वो जस्ट ट्रांसफॉर्म करता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो। तो अगर आइडियल, इफ इट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, हमारा वोल्टेज इंक्रीज किया, सपोज हम ऐसे ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं जो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज कर देगा वो, बिकॉज वो एक्स्ट्रा कहीं से नहीं ले आएगा वोल्टेज, वो हमारा इक्वल पावर मतलब इनपुट आउटपुट पावर को कंजर्व करके रखेगा। तो अगर इनपुट मतलब आउटपुट वोल्टेज बढ़ा रहा है तो आउटपुट करंट कम कर देगा। सपोज हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया, स्टेप डाउन मीन्स जिसमें वोल्टेज डिक्रीज करेगा, when voltage decreases then current across that coil increases, the total power conserve रहता है अगर ideal transformer, ideal नहीं तो नहीं conserve रहता। तो ये voltage और current को साथ में नहीं बढ़ाता, अगर एक बढ़ाएगा तो दूसरे को कम कर देगा, ठीक है। चलो अभी लेना, तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे तुम 500 की नोट दोगे किसी को, बोलोगे मुझे चेंज चाहिए, तो 500 की नोट में तुमको अगर 100 की नोट देता है तो 5 नोट दे देगा, बट इसका मतलब नहीं एक नोट से तुमको 5 नोट कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अमाउंट बढ़ा के देगा, वो अमाउंट कम कर दिया ना उस नोट का, जो 100 500 का तुमने चेंज ले लिया 100 100 के 5 नोट। तो ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे मुझे मेरा 500 का नोट ले लो और मुझे 5 नोट दे दो, तो वो ऐसा नहीं करेगा। उस केस में क्या, 500 की 5 नहीं दे देगा तुमको, वो 100 की 5 देगा, ठीक है। और नोट का नंबर जितना बढ़ाते जाओगे अमाउंट उसका घटता जाएगा, अगर तुम 10 10 की लेते हो तो 50 मिल जाएगा तुमको, लेकिन उसमें क्या होगा अमाउंट तो कम हो गया ना उसका एक नोट का, तो ओवरऑल तुम्हारा पैसा कंजर्व है, वो एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। ट्रांसफार्मर भी एक्स्ट्रा कहीं से एनर्जी नहीं लाने वाला है, वो क्या करेगा पावर को कंजर्व रखेगा। इवन दैट इफ इट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर आइडियल है तो पावर कंजर्व, आइडियल नहीं तो वो भी कंजर्व नहीं रहता। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं रहा तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारा अगर वोल्टेज को डबल कर रहा है ना तो करंट को हाफ से भी कम कर देता है,
ठीक है, अगर रियल ट्रांसफॉर्मर है तो उल्टा तो उधर लॉस आ जाता है। मैं तो आइडियल की बात कर रहा हूँ कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज को डबल करेगा तो करंट को हाफ कर देगा, ठीक है, वोल्टेज को हाफ करेगा तो करंट डबल कर देगा, आइडियल है तो, आइडियल नहीं है तो उसके में लॉस भी आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो हम दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप मतलब नाम से मालूम चला है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम कर रहा है। स्टेप अप मतलब लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज करने वाला है। तो अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो पावर को कंजर्व करने के लिए वोल्टेज अगर बढ़ाएगा 4 times कर देगा तो करंट को 1/4 कर देगा, मतलब करंट हाई टू लो हो जाएगा, हाई करंट टू लो करंट। तो फिर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप क्या कर रहा है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट को कम कर देगा। तो अब देखो वोल्टेज बढ़ने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने चाहिए, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसके प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी के अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे। ठीक है, N2 is greater than N1, यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2। So in this transformer, N2 is greater than N1, मतलब the number of turns across secondary coil is greater than number of turns across primary coil. So this is what step up transformer. Step up transformer क्या करेगा? Low voltage to high voltage और current को कम कर देता, high current to low current. Second step down transformer. Step down transformer which converts high voltage to low voltage. हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करता है। अब देखो वोल्टेज कम कर रहा है तो ऐसा ना हमारा एनर्जी वेस्ट करेगा, हमारा पावर वेस्ट करेगा, वो पावर को कंजर्व रखता है तो अगर वोल्टेज को कम कर रहा है तो करंट को बढ़ा देगा। सो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हुआ तो करंट लो करंट टू हाई करंट। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज सॉरी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज किया, वोल्टेज को कम करा है तो करंट को इंक्रीज कर दिया। मतलब इफ इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, वो हमारी एनर्जी ना तो वेस्ट करता है ना ही हमको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब हमारा एनर्जी वेस्ट भी नहीं करेगा, हमारा जो पावर है टोटल वो कंजर्व रखता है। तो ऐसा नहीं कि वोल्टेज कम किया तो बचा हुआ खा गया वो एनर्जी, ऐसा नहीं, वोल्टेज को कम करा है तो करंट को बढ़ा देगा। सो इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, वोल्टेज लो हो गया करंट बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी में हमारा कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर हम लेंगे, यहाँ पे कॉपर वायर। तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज ज्यादा है तो इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, बाद में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। ठीक, यहाँ पे इन दिस केस इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स जो N1 है एंड हियर नंबर ऑफ टर्न्स आर व्हाट N2, सो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। सो N1 इज ग्रेटर देन N2, नंबर ऑफ टर्न्स कम हुआ इसीलिए EMF भी घट गया, E1 is greater than E2, but current I1 is less than I2, current increase कर गया। तो step up transformer, step up में क्या हुआ कि number of turns बढ़ रहा है, ठीक है, तो N1 से ज्यादा है N2, तो अगर number of turns बढ़ गया तो EMF भी बढ़ जाएगा, E2 is greater than E1, मतलब number of turns increase किया तो उसके across voltage increase कर जाए, लेकिन current घट गया तो I1 ज्यादा है, I1 is greater than I2। इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन में क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब N1 बड़ा है N2 छोटा है, तो प्राइमरी में EMF ज्यादा होगा, सेकेंडरी में EMF कम होगा, लेकिन करंट प्राइमरी में कम होगा और सेकेंडरी में ज्यादा होगा। क्लियर, N1 इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी का अरे E1 E2 सेकेंडरी के पास EMF नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया तो EMF उधर कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस बढ़ गया, मतलब जब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज क्या करता है, अगर वोल्टेज कम करा है तो करंट बढ़ा देगा, और स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को कम कर देता है। क्लियर, इसको नोट कर लो, द लेफ्ट साइड का नोट करो।
हो गया राइट साइड का नोट। अगर इफ इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पावर कंजर्व रहेगा, अगर आइडियल नहीं है तो पावर लॉस करता है वहां पे। फिर हम एसी करंट पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी आता है कि जो पावर फैक्टर आने लगता है उसके अकॉर्डिंग वो लॉस आता है, तो जरूरी नहीं कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल हो। और डीसी में हम ट्रांसफॉर्मर नहीं यूज करेंगे, बिकॉज डीसी में क्या होता है करंट ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं रहता करंट का, तो एसी में ही फ्लक्चुएट करते रहता है, तो एसी में हम यूज करते हैं। अब इसमें मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, देयर इज अ ट्रांसफार्मर। अब मैं क्वेश्चन में छोटा छोटा टर्न बना रहा हूँ, इसमें देयर आर 100 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड 400 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये जो मैं उसके ऊपर राउंड के ऊपर लिख रहा हूँ, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स। सो देयर आर 100 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड 400 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। इसका जो वोल्टेज है प्राइमरी का 20 वोल्ट है और 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सो फाइंड द ईएमएफ, सेकेंडरी के अक्रॉस कितना ईएमएफ होगा, वोल्टेज और कितना करंट आएगा, दैट आई हैव टू फाइंड। तो आप देखो, ठीक है, E2 एंड I2 आई हैव टू फाइंड। अब यहां पे देख लो, फिर वही रेशियो निकालो नंबर ऑफ टर्न्स से, तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब E1 by E2 इज इक्वल टू व्हाट, N1 by N2, दैट इज 100 अपॉन 400। तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 into E1, दैट इज 4 into 20, विच इज 80 वोल्ट। ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। सो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, E2 इज इक्वल टू 4E1, मतलब 4 टाइम वोल्टेज इंक्रीज कर गया। करंट को देखो, करंट क्या होगा, व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस 4 टाइम, वोल्टेज 4 टाइम इंक्रीज कर गया तो करंट 4 टाइम डिक्रीज कर जाता है। सो I2 by I1 is equal to what, N1 by N2, that is 100 upon 400, which is equal to 1 by 4. तब यहाँ पे अगर I2 निकालते हैं तो I2 कितना हो जाएगा, I1 by 4, and I1 is given that 2 by 4, 1 upon 2 ampere. Yes. ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमने डिस्कस किया, ठीक है? Yes. सेकेंड क्वेश्चन देखो, फिर से हमारा यहाँ पे कॉइल है, कोर है, कोर में कॉइल्स हैं, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन। ये हमारा टर्न्स 200 to 400 हो रहा है, इनिशियल जो हमारा वोल्टेज है दैट E1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट और इसका पावर दिया है 100 वॉट, इट इज गिवन, पावर इज गिवन। नाउ फाइंड द ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी एंड करंट अक्रॉस सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना करंट जाएगा। तो ईएमएफ तो हमको E1 मालूम है, नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है, तो E2 तो डायरेक्टली, ये भी आइडियल ही है, इज आल्सो एन आइडियल ट्रांसफार्मर। सो हियर E1 इज नोन, E2 वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ टर्न्स आर नोन, तो 200 400 है, तो वही फिर से क्या करो, E2 by E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, N2 by N1, N2 इज व्हाट, 400 डिवाइड बाय 200, दैट इज 2, मतलब E2 इज डबल ऑफ E1, तो 2 into E1 इज व्हाट, 20, that is 40 volt. तो E2 हमारा 40 volt है। अब next हम relate to find the current I2. अब I2 को हम I1 से relate करते, but I1 तो दिया नहीं यहाँ पे। हम current को भी number of turns से relate कर सकते थे, but problem यहाँ पे क्या है? Power दिया है। तो ठीक है, power से भी तो conserve कर सकते हैं। तो ideal transformer है, तो P1 is equal to क्या होगा? P2. P1 is what? Is given 100. Is equal to P2 is what, I2 E2, तो यहां से अपने को I2 मालूम चल जाएगा, तो I2 is what, 100 upon E2, that is 100 upon E2 की वैल्यू, E2 I have calculated, that is 40, तो कितना हो जाएगा, 10 by 4, I2 is equal to 5 by 2 ampere. चलो इसी टाइप से एक आइडियल ट्रांसफार्मर का और क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड, अगेन देयर इज अ, ये भी आइडियल ही है, बिकॉज आई एम जस्ट कंजर्विंग द पावर। अब यहां पे फिर से प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है,
सपोज ये 400 टर्न्स, ये 50 टर्न्स है, ये हमारा 100 वोल्ट पे है एंड आई वन इज गिवेन 10 एम्पियर. सो फाइंड ई टू एंड आई टू, फाइंड द ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एंड द करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स एन वन इज 400 एंड एन टू इज 50, तो 400 टू 50 हो रहा है. तो पहले देखो E1, ये हमारा इनिशियल वोल्टेज मतलब प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज इज 100 वोल्ट और करंट इतना 10 एम्पीयर. आई हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एंड करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. तब यहां पे फिर से क्या करो, ईएमएफ को डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स से रिलेट कर दो. तो E2 by E1 is equal to what? N2 by N1. N2 is 50 divided by 400. वो कैंसिल हो गया. तो E2 is equal to क्या होगा? 5 by 40 E1. So that is E1 by 8. देखो number of turns जो है वो 8 time कम हो गए. तो number of turns अगर 8 time कम हो जाते हैं तो voltage भी 8 time कम हो जाएगा. तो यहाँ पे 100 volt था. So that is 100 by 8. तो E2 is equal to 100 by 8, and that is 50 by 25 by 2 volt. So जो secondary coil के across EMF है, that is 25 by 2. Now find the current. अब current भी initial current, primary coil के across current है, secondary coil के across निकालना है, तो current को भी हम relate कर लेंगे. वैसे भी आसान है, voltage को जितना कम करता है, current उतना बढ़ा देता है ideal transformer. So, voltage को उसने 8 time कम कर दिया, तो अगर voltage 8 time कम हो जाता है, तो current 8 time बढ़ जाएगा. So, I2, तो I2 is equal to what? Same I2 by I1 is equal to what? N1 by N2, because inversely proportional to number of turns. N1 कितना है? 400 divided by 50. ये कट गया, तो 8. So, I2 is equal to 8 times of I1. So, that is 8 into I1. I1 is 10. तो कितना हो जाएगा? 80 ampere. तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब वोल्टेज को 8 टाइम कम कर दिया इसने. ये वाले पहले दोनों क्या थे? स्टेप अप थे. ये हमारा स्टेप डाउन है. तो स्टेप डाउन क्या कर रहा है? वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है, तो जितने जिस रेशियो में वोल्टेज कम होगा उसी रेशियो में करंट इंक्रीज करता है, बिकॉज इट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर. अगर आइडियल नहीं होता तो रेशियो थोड़ा बदल सकता है, लेकिन आइडियल है बिकॉज यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो वी कैन कंजर्व द पावर. इनपुट और आउटपुट को हम कंजर्व कर सकते हैं. रियल ट्रांसफार्मर होता तो उसके इसमें दिया रहता है कितनी इफिशियंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंजर्व नहीं करते, फिर हम इफिशिएंसी को देख के कैलकुलेट करते हैं.